नमस्कार दोस्तों, फिल्म जगत में अब तक ढेर सारे खूबसूरत मर्दों ने असीमित सुंदरता का अद्भुत प्रदर्शन किया हुआ है। पृथ्वीराज कपूर और उनसे भी बहुत पहले काम कर चुके अनगिनत कलाकारों के नाम लेते लेते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये सूची खत्म नहीं होगी। किसी की पसंद चाहे एक दूसरे से ना मिलती हो, फिर भी कोई भी इंसान इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि फिल्म जगत में जब भी खूबसूरत मर्दों की बात होती है तो पहले कुछ स्थान पर इन चार खान के नाम जरूर आते हैं। वे चार खान हैं: फिरोज खान, संजय खान, अकबर खान और समीर खान। समीर खान का नाम सुनकर आपको अटपटा सा लगा होगा। पहली बात तो ये कि वे एक फ्लॉप हीरो थे और फिल्म जगत में उनका कोई खास योगदान भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वे फिरोज खान के भाई थे इसलिए खूबसूरती का सिलसिला उनके चेहरे से जरूर गुजरा था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी रेडियो और आज आप फिरोज खान और उनके तीन भाइयों तथा पूरे परिवार की कहानी सुनने जा रहे हैं। चारों भाइयों पर चर्चा करने से पहले उनके प्राथमिक जीवन पर नजर डालते हैं। सादिक अली खान तनौली असलियत में भारत में रहने वाले अफगान मूल के निवासी थे। बंगलौर में उनका बहुत बड़ा कारोबार था और अंग्रेजों के जमाने में उनकी अमीरियत की तूती बजती थी। खैर, देखा जाए तो विदेशी मूल के लोगों का भारत के इतिहास से बड़ा गहरा संबंध रहा है। मुस्लिम राजाओं और सुल्तानों ने हिंदुस्तान की जमीन पर अपने हाथ पैर फैलाए और ढेर सारे अफगानी तथा ईरानी लोग भारत आकर बस गए। उनमें से फिरोज खान के पूर्वज भी थे। नवाबों की खिदमत करते करते वे बहुत अमीर बन गए। उनके पास कई सारे एकड़ जमीन भी आ गई, जिसके उपयोग से उन लोगों ने खूब सारा धन बनाया। क्योंकि वे अफगानिस्तान से आए हुए थे और तनौली समाज के थे, इसलिए उन्होंने इस नाम को अपना सरनेम बना लिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सादिक अली खान तनौली की शादी ईरानी लड़की से हुई थी, उसका नाम था फातिमा। स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हो वो ही है सादिक खान और फातिमा। हिंदी रेडियो एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। अगर आपने भी फिरोज खान के माता पिता की तस्वीर पहली बार देखी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सादिक अली खान और फातिमा के छह बच्चों के नाम और उनकी जन्म तिथि कुछ इस प्रकार से है: जुल्फिकार अली शाह खान और फिरोज खान 25 सितंबर 1939, शाह अब्बास अली खान उर्फ संजय खान 3 जनवरी 1941, शाहरुख शाह अली खान 1943, अहमद शाह अली खान उर्फ समीर 1945, अकबर सादिक अली खान 7 जुलाई 1949, दिलशाद शेख 1953। अब इंटरनेट की दुनिया में लोगों की गलतफहमी ये है कि दिलशाद शेख के अलावा उन्हें खुर्शीद शहनावर नामक एक बहन थी, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ लगती है। संजय खान की ऑथेंटिक वेबसाइट के अनुसार वे छह भाई बहने थे, जिनमें से फिरोज खान को छोड़कर सारे के सारे जीवित हैं। अब दूसरी गलतफहमी ये है कि लोग अकबर खान को तीसरा भाई समझते हैं और समीर खान को सबसे छोटा भाई माना जाता है, लेकिन असलियत में अकबर खान सबसे छोटे भाई हैं और उनसे पहले शाहरुख तथा समीर का जन्म हो चुका था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शाहरुख तथा दिलशाद शेख ने फिल्मी दुनिया से खुद को हमेशा से दूर रखा। फिरोज और संजय खान के अलावा सारे भाई बहनों ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की हुई है। फिरोज खान तो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन सीनियर कैम्ब्रिज के एग्जाम के बाद उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेने का सौभाग्य मिला नहीं। वहीं संजय खान भी सीनियर कैम्ब्रिज के बाद कॉलेज गए नहीं। आज के वक्त हर राज्य का अपना अपना एजुकेशन बोर्ड है और CBSE भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन करोड़पति परिवार के बच्चे इंटरनेशनल लेवल के बोर्ड में पढ़ते हैं और सीनियर कैम्ब्रिज उसी को कहते हैं। आम भाषा में आप इसे 12वीं की परीक्षा समझ सकते हो। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि फिरोज खान और उनके भाई बहन बहुत ज्यादा रईस हैं। आज शाहरुख खान को सबसे अमीर कलाकार समझा जाता है, लेकिन अगर आप संजय खान की जायदाद देखोगे तो उसके सामने शाहरुख खान की रईसी कहीं टिकेगी नहीं। फिरोज खान ने कई सारे नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। बेंगलोर में उन्होंने घोड़े के लिए बड़ा सा अस्तबल बना के रखा था। इस अस्तबल में डॉक्टर समेत कई सारे लोग घोड़ों की देखभाल करने के लिए तैनात किए गए थे। साथ ही दुनिया भर की लग्जरी गाड़ियां भी उनके बंगलों में खड़ी रहती थी। आप स्क्रीन पर इतना बड़ा आलिशान होटल देख रहे हो, वो एक जमाने में संजय खान का ही था। इस होटल को उन्होंने 10-12 साल पहले बेच दिया है। संजय खान को आगरा में दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनवाना था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उनके प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टे ऑर्डर लगवा दिया। पिछले 10 साल से वे बीजेपी सरकार से निवेदन कर रहे हैं। खैर, अब एक एक करके सभी भाइयों के पारिवारिक तथा फिल्म जगत की अभिनेत्रियों के साथ रहे संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समीर खान पर बात करते हैं। खूबसूरती के मामले में समीर खान भी बड़े हैंडसम
हैंडसम हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ एक गलती ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। असल में आप उनकी फिल्में देखोगे तो पता चलेगा कि वे संजय खान और फिरोज खान की नकल करते थे। आंख बंद करके उनके डायलॉग डिलीवरी सुनोगे तो आपको लगेगा कि फिरोज खान बात कर रहे हैं। गोमती के किनारे, प्यार का रिश्ता, अंधेरा, कातिल कौन जैसे कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में समीर खान अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ खास कारनामा ना करने के कारण वे फिल्म जगत से अलग हो गए और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में उतर गए। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग में भी किस्मत अपना के देखा। साथ ही यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कॉन्टेस्ट में उन्होंने विनोद मेहरा के साथ हिस्सा लिया था, लेकिन एक जाने माने कलाकार रतन चोपड़ा ने उन्हें हरा दिया। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद समीर खान ने इराम नामक एक लड़की से शादी कर ली। इस शादी से दो बेटियों का जन्म हुआ, सेहर खान और निधा खान। सेहर खान का विवाह नवीद सईद से हुआ। नवीद सईद मशहूर अदाकारा रेखा के भांजे हैं। रेखा की एक बहन राधा सईद की शादी मशहूर फिल्मकार एसएम अब्बास के बेटे उस्मान सईद से हुई थी। एसएम अब्बास की फिल्मोग्राफी में श्रीमान सत्यवादी, हंगामा, वफा, एक बेचारा, एक हसीना दो दीवाने जैसी सुपरहिट फिल्में शुमार हैं। उनके बेटे से शादी करने के बाद रेखा की बहन राधा का धर्मांतर हुआ और राबिया नाम रखा गया। समीर खान की दूसरी बेटी निधा खान की शादी माइकल पिंटो से हुई है। अब अकबर खान पर बात करते हैं। इन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर देखकर ही लोग उनकी खूबसूरती से प्रभावित हो चुके थे। ऐसे बहुत कम कलाकार थे जिनके चेहरे पर मूछें जचती थीं। ऐसे में 22-23 साल के अकबर खान का चेहरा पहली फिल्म के साथ बहुत लोकप्रिय बन गया, लेकिन शुरू में उन्हें फिल्म निर्माण में ज्यादा दिलचस्पी थी। इस खानदान के वे तीसरे क्रमांक के भाई थे जिन्होंने फिल्मों में पदार्पण किया हुआ था। उनसे पहले आने वाले समीर खान की हालत क्या हुई ये तो पहले ही बता दिया है, लेकिन अकबर खान के साथ सब कुछ अच्छा था। छोटी उम्र से उन्होंने फिरोज खान के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त उन्हें चौथे क्रमांक का असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का सौभाग्य मिला। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म अनजान राह 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी फिरोज खान थे। उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि वे डायरेक्टर बनेंगे। ऐसे में एन एन सिप्पी नामक एक मशहूर फिल्मकार खुद की एक फिल्म लेकर उनके पास चलकर आए। कुछ समय तक इस फिल्म पर काम हुआ, लेकिन बाद में एन एन सिप्पी ने अपना इरादा बदल दिया और फिल्म बंद होने के कगार पर आ गई। ऐसे में 22 साल के अकबर खान ने उस फिल्म का प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लिया और साल 1983 में वो फिल्म रिलीज हुई। इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बावजूद वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह गिर गई और अकबर खान को जीवन का पहला झटका लगा। उस फिल्म का नाम था हादसा। रंजीत कौर और स्मिता पाटिल तथा अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ था। खुद अकबर खान ने भी बढ़िया काम किया हुआ था, लेकिन फिल्म की कहानी तथा तकनीकी मामले में अकबर खान असफल साबित हो गए। बाद के साल में खुद संजय खान ने उनके करियर को उठाया। 1986 की सुपरहिट फिल्म काला धंधा गोरे लोग में उन्हें बड़े बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। बतौर डायरेक्टर संजय खान की वो आखिरी फिल्म थी। जीना तमन के साथ हुए मारपीट के चलते लोगों ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। ऐसे में वो फिल्म उनकी आखिरी उम्मीद थी। लोगों की बातें सुनकर वे हमेशा के लिए बेंगलोर बस गए। पर अकबर खान को फिल्म के हिट होने का पूरा फायदा पहुंचा। उन्हें ढेर सारे ऑफर्स आने लगे, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे कभी भी फिरोज खान और संजय खान की जगह नहीं ले सकते। जो कारनामा उन्होंने करके दिखाया था वो सदी में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए वो भी बेंगलोर आ गए और घरेलू व्यापार में व्यस्त हो गए। अकबर खान को लेकर सबसे मज़ेदार बात यह है कि वे अपने भाइयों में से एकमात्र कलाकार थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। उस फिल्म का नाम है अदालत। इसके अलावा अभिनेत्री रंजीता कौर के साथ उनके अफेयर के चर्चे भी खूब हुए। साथ ही अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया। ये भी माना जाता है कि एक्टर बनने के लिए वे अपनी मूछें हटवाने वाले थे, लेकिन बासु चैटर्जी की वो फिल्म बीच रास्ते पर रुक गई। अकबर खान को देखकर देवानंद साहब भी प्रभावित हो गए थे। वे खुद उन्हें लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अकबर खान ने इनकार कर दिया। उस फिल्म का नाम था इश्क इश्क इश्क, जिसमें कबीर बेदी ने काम किया हुआ है। 90 के दशक में फिल्मों से दूरियां बनाने के बाद उन्होंने मरियम खान से विवाह किया। इस विवाह से 2 संतानें हुई, अब्रेज और एक बेटी आलिया। इतने साल फिल्म जगत से दूर रहने के बाद अकबर खान ने दोबारा फिल्म बनाने का फैसला लिया, लेकिन इस बार वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ताजमहल को लेकर एक बहुत ही बड़ी और उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था
ताजमहल एंड इंटरनल लव स्टोरी। लेकिन क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान कलाकार थे, इसलिए भारत में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और अकबर खान को लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल इस फिल्म में मशहूर गायिका नूर जहां की पोती सोनिया जहां को पेश किया गया था। इस फिल्म के बाद अकबर खान दोबारा एक बार फिर दुखी हो गए, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। आज के वक्त अकबर खान एक नहीं बल्कि 6-7 कंपनी चला रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में व्यस्त हैं। अब बारी आती है संजय खान की। इनसे जितने लोग प्यार करते हैं उतने ही लोग नफरत भी करते हैं। नफरत के पीछे जीनत अमन की कहानी जुड़ी हुई है। इस विषय पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने साबित किया है कि संजय खान पर लगे हुए सारे आरोप गलत हैं और मारपीट वाले किस्से की असली सच्चाई भी हमने उस वीडियो में बताई है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा बात ना करना ही सही रहेगा। संजय खान से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये भी है कि उन्होंने कभी अपने नाम के आगे खान लगाया नहीं था। 80 के दौर के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम अक्सर संजय खान लिखकर आता था, बाकी फिल्म के क्रेडिट्स में आपको सिर्फ संजय नाम दिखेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन भाइयों में से फिल्मों के प्रति सबसे जागृत इंसान खुद संजय खान था, क्योंकि बचपन के दिनों में उन्होंने अभिनेता बनने का ख्वाब देखा था। दूसरी तरफ फिरोज खान संयोगवश एक्टर बन गए थे। अगर फिरोज खान मुंबई ना आते तो संजय खान सबसे पहले हीरो बन जाते, लेकिन फिर भी सफलता का स्वाद दोनों भाइयों ने चखा। ये कहना मुश्किल होगा कि फिरोज और संजय में कौन सबसे सफल था। संजय खान बचपन के दिनों से फिल्में देखते आ रहे थे। पिता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन नाराज होकर वे बेंगलोर से मुंबई आ गए और राज कपूर के स्टूडियो में चक्कर लगाने लगे। बचपन के दिनों में उन्होंने कपूर खानदान के लोगों को बड़े पर्दे पर देखा था। वे समझते थे कि बड़े पर्दे के पीछे रहकर कुछ लोग भेष बदल बदल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक दिन उनके घर के नौकर ने उन्हें थिएटर में लगने वाला फिल्म प्रोजेक्ट दिखाया। बड़े होने के बाद उन्होंने राज कपूर जैसे बड़े सितारों को अपने आंखों के सामने देखा तो वे बहुत प्रभावित हो गए। शुरू शुरू में वे उनसे बात करने के लिए डरते थे, क्योंकि शशि कपूर के साथ उनके पारिवारिक संबंध अच्छे थे, इसलिए संजय खान सिर्फ शशि कपूर के साथ रहते थे। एक दिन होली का माहौल था, सारे लोग भांग पी रहे थे। संजय खान को भी किसी ने भांग पिला दी। नशा चढ़ने के बाद संजय खान हर किसी से पूछने लगे, मेरी स्पोर्ट्स कार कहाँ है? होश आने के बाद उन्हें पता चला कि जिस राज कपूर को वो अपना आदर्श मानते थे उनके सामने उन्होंने पेचीदा हरकत कर दी। लेकिन असलियत में किसी ने भी संजय खान की बातों का बुरा नहीं माना था। आगे चलकर संजय खान मुंबई के जुहू इलाके में रहने के लिए आ गए। वहां उनके बगल में एक बंगाली इंसान रहता था। वो बंगाली इंसान हमेशा संजय खान से अपनी गाड़ी को धक्का मारने को कहता था। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब भी वो बंगाली इंसान अपने घर का दरवाजा खोलकर गाड़ी की तरफ आता था तो संजय खान बिना पूछे उनकी गाड़ी को धक्का देते थे। लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। हर बार की तरह वो बंगाली इंसान घर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था तो उसने संजय खान को आते हुए देखा और कुछ बोलने से पहले ही संजय खान बोल पड़े, हाँ भाई मैं धक्का मारने वाला हूँ। तब उस बंगाली इंसान ने तुरंत कह दिया, अब हम तुम्हारे कुरियर को धक्का देगा। वो बंगाली इंसान था फिल्म जगत का बहुत ही नामी फिल्मकार सत्येन बोस। उस वक्त वे दोस्ती फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने संजय खान को कास्ट कर लिया और फिल्म हिट होते ही संजय खान की लॉटरी लग गई। वैसे स्टार बनने के बाद संजय खान का नाम बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, जिसमें माला सिन्हा का नाम सबसे पहले आना चाहिए। माला सिन्हा ने उन्हें दिल लगी के सेट पर प्रपोज कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे एक ईरानी लड़की जरीन से शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर माला सिन्हा ने उन्हें कई सारे फिल्मों से हटवा दिया। 1966 में ही उनकी शादी हुई थी और इस शादी से 4 बच्चों का जन्म हुआ, फरहा खान अली, सिमोन अरोरा, सुजैन खान और बेटा जायद खान। जायद खान 2005 के जमाने के मशहूर कलाकार रह चुके हैं। उनकी शादी मलाइका पारेख से हुई है, तो वहीं बड़ी बेटी फरहा की शादी डीजे अकील से हुई है। इसके अलावा सिमोन की शादी डी डेकोर शॉप के मालिक अजय अरोड़ा से हुई है। साथ ही सुजैन खान के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि वो ऋतिक रोशन की बीवी हुआ करती थी। हाल ही के दिनों में उन दोनों का तलाक हुआ है। इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद संजय खान फिल्म जगत के सबसे बुरे किस्मत वाले कलाकार थे। फिल्मों से निकलने के बाद वे छोटे पर्दे की तरफ चले गए।
जय हनुमान, द ग्रेट मराठा, टीपू सुल्तान की तलवार, महारथी कर्ण जैसे सीरियल बनाकर उन्होंने टीवी जगत में तहलका मचा दिया। लेकिन दो बार वे मरते मरते भी बच गए। टीपू सुल्तान सीरियल की शूटिंग के वक्त उनका पूरा शरीर जल गया। बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। फिर भी उस वक्त की कांग्रेस सरकार की मदद से उन्हें विदेश भेजा गया और उन पर करीब करीब 300 ऑपरेशन हुए। कुछ महीनों के बाद वे अपने पैरों पर खड़े तो हो गए, लेकिन इस बार उनका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। पूरे शरीर पर सफ़ेद धब्बे पड़े हुए थे। इस हालत में भी वे काम करते रहे। उसके कुछ साल बाद संजय खान हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार बन गए। सौभाग्य से इस बार भी वे बच गए। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर जाएगी। सच्चाई की रोशनी से आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं उसके विपरीत कहानी आपको पता चलेगी। खैर, अब फिरोज खान पर चर्चा करते हैं। फिल्म जगत में हसीन अभिनेत्रियों ने समय समय पर फैशन की नई परिभाषा तय की हुई है, लेकिन मर्दों की बात होती है तो फैशन के मामले में सिर्फ फिरोज खान का नाम सामने आएगा। फिरोज खान ने हमेशा ही रुमाल, टोपी, जैकेट, जूतों को मार्केट में बढ़ावा दिया था। साथ ही उनका काउबॉय वाला अंदाज भूल पाना नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है, फिरोज खान और उनके छोटे भाई संजय खान असलियत में बी ग्रेड फिल्मों में हीरो हुआ करते थे। क्या आपको ये पता है कि फिरोज खान ने शुरुआती फिल्मों में खलनायिका की भूमिका निभाई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिल्म जगत में उनका कोई गॉडफादर भी नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया अपने बलबूते पर किया। संजय खान की तरह फिरोज खान भी अभिनेत्रियों के इर्द गिर्द घिरे रहे। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की थी। शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने किसी और महिला के साथ संबंध रखे। इस वजह से 1985 में सुंदरी ने उन्हें तलाक दे दिया। आपको बता दूं कि उनकी शादी 1965 में हुई थी। बेशक ये एक प्रेम विवाह था, और साथ ही सुंदरी को पहले पति से एक सोनिया नामक बेटी भी थी। उस बेटी को फिरोज ने गोद ले लिया और लैला तथा फरदीन नामक दो संतानों का जन्म भी हुआ। आगे चलकर सोनिया की शादी गुरुदत्त के बेटे तरुण दत्त से होते होते रह गई। बाद में उन्होंने बिजनेसमैन राजेंद्र सेठिया से शादी कर ली। दुर्भाग्य से साल 2012 में ही सोनिया एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उस वक्त वो बस 48 साल की थी। फिरोज खान की बेटी लैला की शादी राजपाल नामक इंसान से हुई, तो वहीं फरदीन की शादी नताशा माधवानी से हुई। ये वही नताशा हैं जिनकी सुपरस्टार मां मुमताज से खुद फिरोज खान शादी करने वाले थे। दोनों की लव स्टोरी बहुत मशहूर हुई थी। खैर, अब दोबारा फिरोज खान के अफेयर पर लौटते हैं। ज्योतिका नामक एक एयर हॉस्टेस के प्यार में फिरोज इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ज्योतिका और फिरोज शादी के बंधन में बंध नहीं सके। फिरोज खान के लिए आज भी कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें बैन कर दिया था। असल में हुआ ये कि वे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे। वहां मंच पर उन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। ये मामला इतना बिगड़ गया कि वहां की मीडिया ने उन पर माफी मांगने के लिए दबाव डालना शुरू किया, लेकिन फिरोज खान ने अपने अल्फाज पीछे नहीं किए। खैर, बाकी एक भाई की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बॉलीवुड स्टोरीज विद ऋषिता इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।